से मिलने को दिल कर। साला ये यहां क्या कर रहा है? वैसे कसूर उनका भी नहीं है ना। देखिए, जिन बच्चों की माँ बचपन में गुजर जाती फिर वो थोड़े बिगड़ तो जाते ही ना। मैंने अपनी तरफ से माँ और बाप दोनों का प्यार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज एहसास होता है कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। आज महसूस हुआ इतने सालों से तेरे एहसास सोए हुए थे क्या? माफ कीजिए हसमुख जी, आपको अपनी खातिर ना सही लेकिन अपने बच्चों की खातिर बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसके बाद कोई नजरों में जची नहीं, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं। आज तक नहीं मिली? नहीं नहीं, कुछ दिनों पहले तक नहीं मिली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को बहुत जल्द माँ मिल जाएगी। माँ मिल जाएगी। वैसे अनु जी, प्रोग्राम क्या आपका? खास तो कुछ नहीं। तो फिर कहीं कॉफी पीने चलें? आ, थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। और बुरा आइडिया नहीं है, चलिए। अरे वाह, एक मिनट, ये फूल बड़ी देर से आपके बालों के लिए मचल रहा है, अगर लगा दीजिए। नवाजिश। तो कैसे दिल जलाने वाली बात कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है ना? बचपन का? अगर तू दोस्ती का सही मतलब जानता ना दोस्त, तो अपने बचपन के दोस्त के पीठ में खंजर नहीं भोंकता। अबे मैंने कौन सा खंजर घोंपा है तेरी पीठ में? तू क्या बकवास कर रहा है? अच्छा हाँ? कल तू अनुराधा के घर नहीं गया था? अनुराधा? हाँ। अरे हाँ गया था, मगर इसमें खंजर का क्या लेने देना? ऐसी बात करता है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। अरे तेरे बचपन के दोस्त की महबूबा वही तो है। कौन? अनुराध? क्या बात करते हैं? मुझे कसम से नहीं मालूम था कि तुझसे प्यार। I'm sorry, मुझे नहीं मालूम था। अबे झूठे, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वही औरत मेरी जिंदगी है। तेरी कार लेकर मैं संगमपुर जाता था, किस लिए जाता था? तूने बताया था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। भूल गया? अरे भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कैसे भूल गया? भूल गया शॉर्टकट में बोलू हसमुख, तू भूला नहीं, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू अपने होने वाली भाभी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। अरे यार प्यारे, मैंने उसकी तरफ बाद में देखा, उसने पहले मेरी तरफ देखा। उसने देखा और मेरी तरफ देखते ही वो पहली नजर में मुझसे प्यार करने लग गई। बस बस बस, वो प्यार मुझसे करती है, पिछले दो साल से हमारा ये चक्कर चल रहा है, मालूम है क्या? अरे तेरी गलतफहमी है यार, वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा ठीक है, आज शाम को ही देख लेंगे उसकी बर्थडे पार्टी में। अच्छा ये भी तुझे मालूम है? नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आज शाम को जाते हैं, अपनी आंखों से ही देख लेना वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तेरी तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, फिर शाम को फैसला हो जाएगा कि वो किसकी भाभी बनती है और किसकी पत्नी। डन। प्यारे जी। अनु जी, many happy returns of the day. Thank you very much. Bye bye. Sure, sure, sure. हैप्पी बर्थडे टू टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, पीली और लाल पड़ा है। हाय, क्या दिख रही है? हाय मुन्नू, ये ऊपर वाले ने भी लड़की जात क्या चीज बनाई है, मुंह बिगाड़ती है तो भी अच्छी लगती है ना? हाँ। प्यारी जी, एवरीथिंग इज ऑलराइट विद यू? एवरीथिंग इज फाइन। एक्सक्यूज मी, हसमुख जी। जी जी। सब कुछ ठीक ठाक है ना? बस
आपकी दुआ है। एक मिनट में आई। अस्मक यार, वो अपने दोनों की तरफ बराबर ध्यान दे रही है, लगता है वो हम दोनों से प्यार करती है। इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? हसमुख, हम दोनों स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, जिंदगी का हर सुख दुख साथ मिलकर बांटा। तू क्या चाहता है कि अपना वो बरसों का साथ एक लड़की के लिए छूट जाए? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे मगर प्यारे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन क्या? कमीने, तू देगा कुर्बानी? अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी उर्बानी कुछ भी। अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहे उधार का पैसा मांग रहे। तूने मुझे बोला है, मुझे दो दिन के प्यार के लिए परसों की मोहब्बत पर हाथ उठाया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आ जा रिंग के अंदर। अरे आ जा, तू बॉक्सर है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ। अरे तुझे पकड़ा नहीं तो मैं इसका सर फोड़ दूंगा। प्लीज अंकल, होश में आइए, आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? शादी की बात पर। लेकिन किसकी शादी? मैं तो भूल ही गया। हसमुख, क्या कर रहा है? हम किस बात पर लड़ रहे थे? हाँ? वो मैं इतने सालों की दोस्ती में आप लोगों के बीच पहली बार झगड़ा क्यों हुआ? ये किसकी शादी के बाद चल रही थी? ये मुन्नू की। मैंने कहा मेरा मुन्नू तेरी बेटी से प्यार करता तो हम लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते। बराबर है कि नहीं? तो ये भड़क गया मेरे ऊपर। अरे भड़कूंगा नहीं, इकलौती बेटी है तेरी, इस लड़के से उसकी शादी करा के उसे जीते जी नरक में भेजा है। ओ अंकल जी, आप मेरे भाई की भरी महफिल में इस तरह बेइज्जती मत कीजिए। आपका भी बहुत हो गया अभी। नहीं नहीं बुन्नू, ऐसा नहीं कहते। अंकल जी सुनिए सुनिए, अपना फैसला सुनाने से पहले अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो कीजिए। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार? और वो भी तुम जैसे बदमाश से? मैं और